वो तो गाइस देख सकते हैं इतनी सारी बुक, 5 बुक दे रखी है, मेरे को नहीं पता कौन कौन सी, एंड इसने हम लोग को इंचांटेड वो भी दे रखी है। सो ही गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिव आदमी में। आज हम लोग माइनक्राफ्ट में एक इजीएस्ट फिश फार्म बनाना सीखने वाले हैं। एंड गाइस, आज का शाउट आउट जाता है MD जैश एंड प्रो ब्रो गेमिंग को। एंड अगर तुम लोग भी शाउट आउट चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट करना, जिसका भी कमेंट मेरे को सबसे अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट मिलेगा। बट वीडियो में जाने से पहले जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, एंड जो भी नए जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो वो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यार आ गए हैं हम लोग अपने वर्ल्ड के अंदर, एंड हम लोगों को फिश फार्म बनाने के लिए जो भी सामान लगेगा वो सब आप लोगों को वीडियो में पता चल ही जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस यार, सबसे पहले आप लोगों को चेस्ट ले लेनी होगी, देन उसके बाद तुम लोगों को किसी भी जगह पे चेस्ट प्लेस करनी होगी, एंड उसके 3 साइड में आप लोगों को साइन बोर्ड लगाने होंगे। एंड गाइस, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से ब्लॉक ले लेने होंगे, देन उसके बाद ये वाला ब्लॉक छोड़ते हुए इसकी 3 साइड में आप लोगों को ब्लॉक लगा देने होंगे। एंड उसके बाद आप लोगों को चेस्ट के सामने 4 ब्लॉक डिक करने होंगे, एंड इस साइड को भी आप लोग 4 ब्लॉक डिक कर दोगे। देन फिर तुम लोग नीचे आ जाओगे, एंड फिर यहाँ पर से तुम लोगों को ये 2 ब्लॉक डिक करने होंगे, एंड यहाँ पर आप लोगों को डबल चेस्ट प्लेस करनी होगी इस टाइप से। एंड इससे कनेक्ट करते हुए आप लोगों को एक हॉपर लगाना होगा, एंड उसके ऊपर आप लोगों को रेल लगा देनी होगी, एंड रेल को इस टाइप से तिरछा लगा देना होगा। इस टाइप से आप लोग माइनकार्ट विथ हॉपर प्लेस कर दोगे, एंड फिर उसके सामने वाला ब्लॉक डिक करना है, एंड फिर आप लोगों को नीचे रेल को तोड़ देना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेली डिक करना है, एंड फिर यहाँ पर आप लोगों को एक साइन बोर्ड प्लेस कर देना होगा इसके पीछे, एंड फिर इसके आउटसाइड आप लोगों को ग्लास ब्लॉक लगा देने हैं, और फिर इसके आगे आप लोग यहाँ पर फिल कर दोगे, एंड फिर आप लोग यहाँ पर से अपने लिए ऊपर नीचे जाने वाला रास्ता भी बना सकते हैं। फिर आप लोगों को लावा बकेट ले लेनी है, देन उसके बाद माइनकार्ट विथ हॉपर के जस्ट ऊपर वाले ब्लॉक में आप लोगों को एक लावा डाल देना है। तो अब हमारा जो मैकेनिज्म है वो पूरा बन के तैयार है, एंड उसके बाद आप लोगों को चेस्ट में क्राउच होते हुए इस साइड वाले एरिया में वाटर डाल देना है, तो इसका जो फ्लो वाला एरिया वो पीछे चले जाएगा। तो गाइस यार, जैसे कि आपने देखा आप लोगों को इसी टाइप से फिश पकड़नी है, एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर फिश डाल देनी होगी, एंड फिर आप लोग यहाँ पर से फिशिंग रॉड ले लोगे। तो गाइस यार, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिशिंग रॉड ले ली। मैंने 2 टाइप की फिशिंग रॉड ली है, एक सिंपल वाली एंड एक एन्चेंटमेंट वाली। एंड उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपल वाली से देखता हूँ कि हम लोगों को कैसी लूट देता है। आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना होगा, ये जो साइन बोर्ड है यहाँ पर आप लोगों को फिशिंग करनी होगी, एंड आप लोगों को इसको खींचने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली हम लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस यार, यहाँ पर मैं सर्वाइवल में भी आ गया हूँ, देन अभी मैंने एक बार ट्राई करा था, तो देखते हैं कि इसने हम लोगों को क्या दिया है जो नॉर्मल फिशिंग रॉड ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने हमें खाली फिश ही दी है। तो अब हम लोग एन्चेंटमेंट वाली फिशिंग रॉड से देखेंगे, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर 2-3 मिनट तक FK करूँगा, एंड फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को 2-3 मिनट में कितना सामान देता है। गाइज यार, यहाँ पर मेरे को AFK करते करते यहाँ पर 2-2.5 मिनट हो चुके हैं। तुम लोग मेरी XP देख सकते हो, 0 से 13 हो गई, तो ये आप लोगों का XP के लिए भी बहुत अच्छा सा फार्म है। एंड उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर चेस्ट में देखेंगे कि इसने हम लोगों को कितनी लूट दी है। वो तो गाइस देख सकते हैं इतनी सारी बुक, 5 बुक दे रखी है, मेरे को नहीं पता कौन कौन सी, एंड इसने हम लोगों को इंचांटेड वो भी दे रखी है, इसमें पंच 2 लगी हुई है। देन उसके बाद तुम लोग यहाँ देख सकते हो इसका ऐसे कुछ काम है नहीं इस वाली बुक का, जिसमें इसने हम लोगों को फायर प्रोटेक्शन, स्मिथ नॉकबैक और इफिशेंसी 5 दे रखी है, इसका हमारा कुछ काम है नहीं। बट दूसरी बुक में इफिशेंसी 3 है, एंड तीसरी में स्मिथ 4 है, एंड ये वाली में मैंडिंग एंड अनब्रेकिंग। गाइस देख सकते हैं कितनी अच्छी लूट दी है, और उसके बाद इसने हम लोगों को खाने के लिए थोड़ी सी फिश वगैरह भी दे रखी है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि फार्म कितना बढ़िया वर्क करता है।
गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड गाइस तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से फॉलो कर दो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।